नहीं नहीं इनकी एक्चुअल उम्र 55 की है, पर दिल 55 का है। सो गाइस ये है तरुण, टॉप पे पहुंच चुके हैं 2575 मीटर की हाइट पे इस समय हम। वाह मस्त है, बहुत बढ़िया लग रहा है उतरते समय, तो बढ़िया लग रहा है। सेल्फी पॉइंट फोटो पॉइंट बोलते हैं उसको, बहुत अच्छी फोटो आती है यहाँ पे, बट लेकिन क्लाउड है, क्लाउड मॉर्निंग फ्रॉम धौलाधार रेंज और तरुण ट्रैक तरुण टॉप। सो अभी अपने साथ है तरुण सर, डॉक्टर साहब हमारे नवीन, गुड मॉर्निंग, इधर विकास, विकास कहाँ गया, विकास, और इधर अपने सीनियर पर्सन महेश जी। कैसा लगा सर आपको? बहुत मजा आ रहा है, रात मजा आया था। सनराइज देखो गाइस हो चुका है, अभी इसका आपका शोर देखा होगा, तो अभी सनराइज हो चुका है। अब यहाँ से निकलेंगे हम नीचे के लिए, और ये खूबसूरत व्यू और खूबसूरत वादियों करेंगे बाय बाय, और नीचे निकलेंगे तरुण के लिए। और ये हमारी गाइस टेंट कैंप साइट, अभी आपको पास से भी दिखाऊंगा, और एक सारे कैंप्स हमारे लगे हुए हैं। ये थोड़ा तरुण मेन तरुण से थोड़ा नीचे लगे हैं, 100 मीटर नीचे है। टॉप पे भी कैंपिंग करना अलाउड नहीं है, जब लास्ट टाइम तरुण सर और मैं आए थे तो पूरा टॉप पे रुके थे। यस वी हैड स्टे ऑन द टॉप दैट टाइम। सो अब तो निकलते हैं यहाँ से नीचे, सनराइज हो चुका है, सनराइज हमने देख भी लिया, काफ़ी खूबसूरत लगा होता हुआ, वेरी ब्यूटीफुल, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सनराइज। एंड देन अब निकलते हैं नीचे की तरफ और मिलते हैं आपको नीचे के शॉट्स दिखाएंगे। अब जाएंगे हम गाइस दूसरे ट्रैक से, ये है हमारे कैंप, ये तरुण से मेन से ना तरुण ऊपर आगे जाके मेन टेम्पल है वो, तो उससे 100 मीटर नीचे लगे हुए हैं अपने टेंट, और यहाँ रुके थे रात को हम, दिखाते हैं आपको ये टेंट हमारे सारे कैंप साइट गाइस। तो हम रुके थे 3 पर्सन वाले कैंप में, और 2 टेंट थे हमारे पास, एक वो रेड वाला और एक ये ब्लू वाला। तो ये देखिए ये टेंट थे हमारे वाले, ऐसे कुछ टेंट थे हमारे, टेंट से निकलते ही हमारा ये व्यू था सामने का, और जो नीचे आपको नीचे का टोटल व्यू मिलता है यहाँ से, टोटल आपको पूरी मैक्लोडगंज, धर्मशाला, और ये मिलता आपको व्यू यहाँ से, ये व्यू मिलता नीचे से आपको, रेंज दिखती है पीछे, और यहाँ से नीचे से व्यू मिलता है मैक्लोडगंज, धर्मशाला, उधर कांगड़ा नीचे, तो ये पूरा व्यू मिलता है आपको यहाँ से। और टेंट हमारे ये हैं, और ये कैंप साइड है, हिम ट्रैक वालों की कैंप साइड है गाइस, ये देखिए। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे आए थे रात को, ये काफ़ी जो स्टूडेंट्स दिख रहे हैं स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो कि आए हैं राजस्थान से घूमने के लिए। हाँ भाई राजस्थान से आए हो आप? राजस्थान से ही आए हो ना? राजस्थान जोधपुर भिलाड़ा। स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th class, इस साइड आपको लग रहा है बच्चे ना बंदे, हम आपको स्कूल से ट्रिप हुआ स्पॉन्सर ही है, एक बार खुद भी हो तो मजा आ जाएगा आपको, अभी तो थोड़ा आपको स्ट्रिक्टनेस में आए होंगे ना टीचर साथ होंगे तो इसलिए थोड़ा, तो जब अकेले आओगे तो ज़्यादा मजा आएगा आपको, चलो आओगे तो। और ऊपर चलते हैं आपको, ये है देखो गाइस कैंप साइट लगी हुई है अपनी, ये सारे कैंप है 2 पर्सन 3 पर्सन और हमारा 3 पर्सन वाला था, और ये है कुछ कैंप साइट गाइस। ठीक है गाइस अब यहाँ से निकलेंगे नीचे के लिए, और आपको यहाँ के नीचे के और रास्ते के जो व्यू होंगे वो दिखाएंगे आपको, कैसा ट्रेन है, क्या इजी है, डिफ़िकल्ट है। जिस ट्रेन से हम रात को आए कल शाम को आए वो थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, स्टीप था बिल्कुल वो, ये जो होगा प्लेन से उतरेंगे नीचे हम। अभी हम बैठे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, बैठ चुका हूँ मैं, और ब्रेकफास्ट आ चुका है अपना। ब्रेकफास्ट में हमारे पास सैंडविच और परांठा, आलू परांठा, और साथ में है पिकल, खाते हैं फिर चलते हैं यहाँ से नीचे के लिए। और अभी धूप आ गई है, पहले बीच में क्लाउड आ गए थे, अब फिर से धूप आ गई है, वेदर कभी ऐसा ही हो रहा है, हो सकता है रेन होने के चांसेस हैं, बट देखते हैं होगी कि नहीं होगी, हम नीचे उतर रहे हैं अभी थोड़ी देर खाने के बाद। सो गाइस ब्रेकफास्ट करके मैं आ गया हूँ कैंप में, यहाँ से अब निकलेंगे नीचे के लिए, सामान सुमान सारा पैक करती हूँ अपना, ये देखिए बैग रेडी है अपना,
अब यहाँ से चलेंगे हम नीचे और हम जाएंगे टेम्पल वाला रूट लेंगे यहाँ से, अब बाक्सू वाटर वाला रूट नहीं लेंगे, जिस रास्ते से हम बहुत पहले आया था उस रास्ते जाऊँगा वापस, और वो रूट भी दिखाऊँगा आपको और सस्ते पे कैसे व्यूज़ आते हैं वो भी दिखाऊँगा आपको। अभी खाना खा गया और तो ईद की आ रही है, चलो मिलते हैं आपको नीचे पहुँच करो। तो ये है महेश जी, इन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है, वी हैव यू नो डन अ वेरी टफ ट्रैक, और मतलब रास्ते में लोग पूछ रहे थे कि अंकल जी आपकी उम्र कितनी है, तो मैंने मजाक में बोला कि 70 इयर्स, कहते हैं 70 इयर्स, मैंने कहा नहीं नहीं इनकी एक्चुअल उम्र 55 की है, पर दिल 55 का है। मैं बहुत हिम्मत तो अंकल की उम्र 55 की है लेकिन दिल 55 का ही है, अभी क्या बात है, अच्छा है कि नहीं, मस्त है। तो कैसे हम रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए, बैग पैक कर लिए और टेंट यहाँ से गिर पर कैंप साइट, अब जाएंगे हम इधर ऊपर, हम लेंगे गुरु टेंपल वाला रास्ता जैसे कि आपको बता ही रहा हूँ वीडियो में, तो वो रूट लेंगे आपको, वो दिखाएंगे आपको, तो बने रहेगा वीडियो में, चैनल को लाइक शेयर चैनल को जो सब्सक्राइब करते रहिएगा। ये जो है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पर भी टेंट बुक कर सकते हो आप आके भी और नीचे से भी, और इस टेंट के जो प्राइस है 2000 रुपये लेते हैं यहाँ पर, बढ़िया प्रॉपर्टी है, उनके पास रूम भी है, रूम के प्राइस भी गाइस सेम ही है, तो यहाँ भी स्टे कर सकते हो आप, अच्छी जगह है ये भी। मेन त्रुण ये है, मेन त्रुण हाँ वहाँ सर, वो टॉप है ऊपर सर, और इससे ऊपर है मेन त्रुण टॉप, उससे जहाँ कालाउड आ गया, हाँ वहाँ से आएगी, क्लिक करो। अब क्लाउड आ गए, माउंटेन ढक गए हैं, क्लाउड ने छुपा दिए माउंटेन सारे। आपने कल रात शाम को यही देखा था जब आए थे, बड़े सुंदर दिख रहे थे। मिलते हैं आगे आपको। हेलो, ये ट्रिप बहुत शानदार है, इस पे हर किसी को आना चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन गलती से भी उस रास्ते से मत आइएगा जहाँ से हम आए, बाक्सू वाटरफॉल वाले से, बाक्सू वहाँ से मत आइएगा, इससे आइएगा गुलू टेम्पल वाली साइड से, इजी ट्रैक है, इजी ट्रैक, मतलब फ्रेशर के लिए बढ़िया है, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस है वैसे वो आ सकते हैं, बट लेकिन जो फ्रेशर है बिल्कुल जिन्हें कभी नहीं किया तो वो गुरु टेम्पल की साइड से ही आए, आपको वहाँ पे छाया भी मिलेगी, गर्मी कम लगेगी और ट्रैक भी मस्त हो जाएगा सर। सो बजरंग बली जी का आशीर्वाद लिया है और निकल पड़े हैं यहाँ से आगे के लिए। सो गैस ये मेन त्रुण है, इससे ऊपर एक और ट्रैक जाता है, वैसे नीचे नीचे घूम के ऊपर जाता है मंदिर के लिए। तो गैस ये है त्रुण, एल्टीट्यूड है 2875 मीटर, ये देखो। सो गैस ये है त्रुण, टॉप पे पहुँच चुके हैं 2875 मीटर की हाइट पर इस समय हम, और यहाँ से हम निकलेंगे नीचे के लिए, और ये है रूट अपना नीचे के लिए, तो ये जाएगा नीचे, अभी हम उधर से आए हैं, उधर से होते हुए इधर नीचे जाएंगे, इस साइड से जाएंगे, ये रास्ता गाइस रूट बेस्ट है, ये स्टार्टिंग का पैच है जो आपको काफ़ी स्टीप लगेगा उतरते हुए चढ़ते हुए ऊपर, ये वाला पैच ये काफ़ी स्टीप लगेगा, बट लेकिन बाक्सू वाले के कंपेरिजन काफ़ी बढ़िया है ये वाला ट्रैक, ये स्टार्ट ये वाला उतरते वक्त थोड़ा है बस, उसके बाद सारा ठीक है। लो जी उतर रहे हैं हम नीचे यहाँ से, कितना एकदम से बादल बन गया एकदम से, हो सकता है आज बारिश भी हो जाए, देख रहे हो पूरा बिल्कुल माउंटेन छुप गया क्लाउड से, हो सकता है आज बारिश भी हो जाए, तो देखते हैं। और यह है कुछ ट्रैक, अभी तो ये इस साइड का सर गाइड इजी, और मैंने देखा भी हुआ ट्रैक ये वाला किया हुआ है, बाक्सू वाली थोड़ा डिफिकल्ट तो था, इसमें पैर थोड़े नॉर्मल आते हैं, देखो तो इतनी स्टीप नहीं लगेगा, वो तो सारा स्टीप ही था बिल्कुल चढ़ते चढ़ते बिल्कुल स्टीप। ये हमारे गाइड जी राहुल, कौन के नीचे यार, और गाइड बताओ फिर कैसे सब, बढ़िया कैसा रहा ट्रैक, बढ़िया मस्त, मैं क्यों आया एक बार, पहले आया इस वजह से आया हूँ मैं, उससे मजा आया है, उस वजह से मजा आया, उस पे ज्यादा एडवेंचर व्यू अच्छे हैं, इस पे व्यू खत्म हो जाता है, मतलब है तो रास्ता ठीक है लेकिन बोरिंग है, बोरिंग है, इस पे व्यू नहीं है, अगर व्यू देख रहे हैं तो बाक्सू वाला आओ, बाक्सू वाटर वाला, अगर व्यू नहीं देख रहे तो इस पे आओ, क्या नाम है कौन सा टेम्पल है ये, गुरु टेम्पल की साइड से आओ, ऐसा कर सकते हो गाइस आप। तो ये हमारे क्या नाम है अपना राहुल जो कि गाइड है यहाँ पर, इनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप, मिल यहीं मिल जाओगे आप, मिल जाते हो ना,
नंबर शेयर नहीं करना आपका? नंबर नहीं भाई, देख लो, टर्नओवर कर देना। देख लो आपकी मर्जी, आप बोल सकते हो। नहीं नहीं, नंबर आपको दे दिया, आप कर देना के शेयर। मैं नंबर सेव किया आपका, शेयर किया। हां जी, जब भी जरूरत होगी कॉल कर लेना। एक मिनट देखता हूं, ठीक है। करना अच्छा करते रहो ना, थोड़ा जाएगा। हां क्या करेगा वो? जो रूट मिलेगा पूरा ट्रीज के साथ ढका हुआ मिलेगा, मतलब आपको ट्री मिलेंगे पूरे रास्ते पे, आपको धूप नहीं मिलेगी। तो जब भी आए, अगर आपको छाया चाहिए, लेकिन हाँ इस रास्ते में व्यू मर जाते हैं गाइस, व्यूज़ नहीं आपको दिखेंगे इतने, इतने व्यूज़ आपको भागसू वाले पे दिखेंगे, थोड़ा बोरिंग दिखेगा क्योंकि इसमें जंगल है पूरा, व्यू मर गया सारा, देखो अब नीचे का व्यू सारा मर गया, जंगल है। बट एडवांटेज इसका यह है कि आप ट्री में शांत आराम से चढ़ जाओगे ऊपर, और आपको कोई डिफिकल्टी भी नहीं हुई चढ़ने में। ये ट्रैक, ये वाला इजी ट्रैक है थोड़ा, और बाकी ना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उसमें थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो डिपेंड करता है, अगर आप थोड़ा एडवेंचर लवर हो तो आप बक्सू नागवाला से आ जाए, अगर थोड़ा नहीं आपको तसली से करना है, प्यार से, कोई व्यू का आपको कोई मतलब ही नहीं है, व्यू दिखे नीचे का ना दिखे, तो आप ये कर लें गोलू टेम्पल वाला, ये ज़्यादा बढ़िया ट्रैक है उसके, अगर उसके कंपेरिजन में देखोगे आप तो ये बढ़िया ट्रैक है एकदम से मस्त। तो यही ट्रैक करें तो बढ़िया रहेगा आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। इस पर आपको छाई भी रहेगी, धूप भी लगी, उस साइड तो धूप भी बहुत सकती है। इधर में क्या क्लाउड आते हैं, क्लाउड आता है, क्लाउड बनता रहता है, शांत होता रहता है, तो ये आप कर सकते हो अगले ट्रैक, अच्छा ट्रैक है ये। ठीक है जी, कितना है बादल, इम्पोर्टेंट है बादल, देखिए गाइस पूरे जो माउंटेन है छुप गए हैं, ढक गए हैं, इनविजिबल हो चुके हैं क्लाउड के कारण, जो कि मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, कल तो दिखाए थे आपको, आज सुबह भी दिखाए होंगे आपको, तो एकदम से क्लाउड आ गया यहाँ पे ट्रैक पे, यही है ट्रैक पे आता रहता है, इस रूट पे ज़्यादा आता है ये गाइस। रूट थोड़ा इजी है उसके अकॉर्डिंग, मैं बार बार वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ, अगर कोई न्यू वीडियो बंदा देख रहा है, न्यू फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो उसके लिए हेल्प हो जाएगी, तो वो इस ट्रैक से नहीं आएगा, दूसरे ट्रैक से आ जाएगा, तो इसलिए मैं इस ट्रैक से बता रहा हूँ कि आप गुरु टेम्पल वाले की साइड से आए। यहाँ बैठ के फोटोज आती है बहुत अच्छी, बट लेकिन नीचे का अब व्यू क्लियर नहीं है, तो नहीं आ पाएगी, बिल्कुल फॉगी वेदर हो गया, क्लाउड आ गए, तो पॉसिबल नहीं लग रहा कि यहाँ से फोटो क्लियर भी आएगी। तो ये वो चल रहा है अभी सीन, एकदम से क्लाउड आ गए, चलो कोई नहीं, लेकिन ट्रैक मस्त आ गया, अच्छी बात है, थोड़ी धूप कम लगेगी यहाँ पर, अब पूरे से इस ट्रैक पर धूप कम ही लगती है, बीच में जब कुछ कुछ पैच आते हैं देखो, और ये वाटरफॉल है वैसे देखा जाए तो, यहाँ पानी बहुत बारिश हुई है, पानी बहुत तगड़ा आता है यहाँ पे, पॉइंट बड़ा शानदार है, सेल्फी पॉइंट फोटो पॉइंट बोलते हैं उसको, बहुत अच्छी फोटो आती है यहाँ पे, बट लेकिन क्लाउड है, क्लाउड क्लाउड करके नहीं आएगी, अदरवाइज तो फोटो बहुत अच्छी आती है यहाँ पर भी, ऐसे फिर ऐसे ऐसे फिर नीचे, लेकिन बढ़िया गाइस। और इसका एक काम कर सकते हो, अगर जैसे बारिश हो रही हो तो आप इसके नीचे बैठ सकते हो, तो आप गिल्ला होने से बच सकते हो, ऐसी ऐसी शिलाएँ गाइस इसी काम आती हैं, ऐसे बारिश हो रही हो या फिर कोई बारिश होने वाला हो, या बारिश से सब सीजन हो रखा है, बारिश हो जाए तो हम यहाँ इसके नीचे अपना स्टे कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक बारिश हो रही है, ऐसी जगह काफ़ी अच्छी है, इंसुलेशन रहेगा यहाँ पे, ठंड भी लगेगी और हवा तेज चल रही है, तब भी यहाँ रुक सकते हैं हम, तो ये चीज़ें हैं गाइस ट्रैक पे। और जब भी उतरें तो एक छोटे छोटे स्टेप रखे होते हैं, जमें एकदम झटका मार के उतरोगे तो आपको क्राइम पाने के चांस बढ़ जाएंगे, तो आराम से उतरें, ज़्यादा जोर झटका मत मारे उतरते समय, फिर आपको पैच मिलेंगे जो कि मिलेंगे ओपन होंगे जिसमें ट्री नहीं होगी, बट लेकिन ऑलमोस्ट आपको सभी ट्री के साथ मिलेगा यहाँ पे, मतलब पूरा ट्रैक ट्री से ढका रहेगा, हो गया था अभी पैर फंस गया था मेरा, बच गया अभी गिरने वाला था गाइस, ये तो गाइस आपको ऐसे बिल्कुल सिंपल इजी पैच आएगा, देखो बिल्कुल प्लेन चलने वाला। धूप नहीं है तो प्यास भी कम लग रही है, मतलब पानी पीने का भी मन नहीं कर रहा, ये वही बनते यहाँ तक, मतलब इतना क्लाउड हुआ कि प्यास बिल्कुल लगी नहीं रही है, मस्त चले हुए हैं अभी, मैं ही सबसे आगे हूँ मुझे लगता है, एक ही बंदा मुझसे आ गया इस समय, डॉक्टर साहब, बाकी सब पीछे हैं मुझसे, ये कुछ लोकल्स बैठे हुए हैं, जा रहे हैं माथा टेकने ऊपर, मुझे लगता है
तो बस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो में यहाँ देख लो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। इससे पहले मेरे ट्रून ट्रैक का चढ़ने वाला वीडियो आ गया होगा जो कि हमने किया था वाटरफॉल बॉक्सू वाटरफॉल की साइड से, फिर उसके बाद लोकल हमने वहाँ पे रात को स्टे किया, उसकी वीडियो भी आ गई होगी नाइट में जो हमने मस्ती की मजा किया वहाँ पे सॉन्ग्स गाए उसकी वीडियो आ गई होगी। अगर आपने नहीं देखी है एक बार जाके वो भी चेकआउट कर लिए अगर आप इसी वीडियो पर आए हैं। एंड और ये हमारा जस्ट वे टू गोल्ड टेम्पल। तो अब थोड़ा वेदर क्लियर होना शुरू हुआ है तो थोड़े व्यू दिखना शुरू हुए हैं ये देखिए, नहीं तो अदरवाइज़ पहले तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, बिल्कुल फॉगी वेदर हो गया था। तो अब थोड़े व्यूज़ दिखना शुरू हुए हैं इस ट्रैक पे। ये देखिए कहाँ खड़ा हूँ मैं यही खड़ा हूँ बिल्कुल किनारे पे, और ये नीचे गए सीधा वाटरफॉल के साथ हम भी नीचे, वैसे काम ना करें वैसे तो। ये देखिए कितनी शांति है यहाँ पे, और अभी हम आए हैं इधर ऊपर से, ये ऊपर से त्रिंड, चलो चलते हैं। तो गाइस ये है लोकल्स के माथा लेकर जा रहे हैं ऊपर, और यहाँ से वेदर काफ़ी क्लियर हो गया है ऑलमोस्ट, नीचे कांगड़ा वैली पूरी दिख रही है इधर से, और अच्छा कर रहे थे अभी बोलो कुछ फिर आप नहीं बोलो अब आपको एक्टर बना देते हैं। कहाँ से आए हो आप? गुड़गांव से आए हो? गुड़गांव दिल्ली में एक साथ ही हैं, चलो बढ़िया। फर्स्ट टाइम ट्रैक कर रहे हो? हाँ वही समझ, फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो तो यही होती है, मैं एक्टर बन गया, इतनी बात कर लो बहुत हो गया। कौन सी किस में करते हो एक्टिंग आप? इन्हें स्कूल में ट्राई करा था। अच्छा हम सब इंजीनियर हैं। सो गाइस काफ़ी नीचे आ गए हम, देखिए ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं टेंपल तक, और ट्रैक देख सकते हो बिल्कुल सिंपल इजी है, डिफिकल्ट ट्रैक नहीं है इतना जितना बोला ट्रैक काफ़ी डिफिकल्ट था यार, ये तो बिल्कुल सिंपल ट्रैक है। और अभी मैंने कैमरा चेंज किया, इससे पहले जो क्लिप देख रहे थे वो था अपना GoPro हीरो 10 से, अब ये देख रहे हो आप हीरो 8 से क्लिप, ये देख रहे हो आप, उसकी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी इसलिए चेंज करना पड़ा, इसकी अभी बची हुई है थोड़ी सी हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट नीचे पहुंच चुके हैं और अपने बाकी के साथी वो जा रहे हैं आगे। हेलो सर, ये आया गोलू टेंपल वाला माता जी का, गोलू टेंपल है, गोलू जी जगह का नाम है और यहाँ की लोकल देवी है गोलू माता। रूट है ये, यहाँ पे फॉरेस्ट वालों का चेक पोस्ट है, यहाँ पे एंट्री होती है और फिर आपको आगे जाने देता है। लास्ट टाइम आए थे हम इसी ट्रैक से गए थे 2019 में, तो कल हम गए थे बॉक्सू वाटरफॉल वाली की साइड से। अगर आपने वो वीडियो देखी आगे होगी, दो तीन एपिसोड पक्का कह रहा हूँ आ चुके होंगे, ये लास्ट एपिसोड होगा अगर आप देख रहे हो तो मेक श्योर की वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। और ये है गाइज गोलू माता टेम्पल, बोरा गोलू माता टेम्पल भाई वही है ना, गोलू माता टेम्पल वो बना हुआ देखो, और यहीं पर आपको चेक पोस्ट है, यहीं पर एंट्री भी होती थी, पता नहीं यहाँ होती है क्या एंट्री, कहाँ होती है अंदर होती है ना, इधर होती है एंट्री, इधर होती है एंट्री। इतने ट्रैक किए ना उनमें एंट्री मुझे कमी मिली है, जितनी एंट्री मिली है मुझे यहीं दिखी मेरी एंट्री, खीरंगा की वहाँ पे एंट्री, चूधार की वहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, शिकारी देवी कमुना की वहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, ये इसी ट्रैक पे एंट्री है सबसे ज़्यादा, बहुत स्ट्रिक्टनेस है ट्रैक के ऊपर यार, टू ट्रैक के ऊपर पता नहीं क्यों, शिकारी देवी अपना खीरंगा ट्रैक है लेकिन उस पर इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है, वहाँ पे सब नॉर्मल चलता है, बढ़िया ट्रैक है लेकिन खीरंगा भी, लेकिन ये भी मस्त ट्रैक है, बहुत ही अच्छा ट्रैक है बिगिनर्स के लिए, बढ़िया ट्रैक है गाइस। तो हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल एंड पे, ये जो वाली वीडियो गाइस हमारा ये था तो चौथा या थर्ड पार्ट होगा, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ये त्रिंड ट्रैक हमारा खत्म हो चुका है, अब यहाँ से जाएंगे हम बाक्सू नाग, इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। ये रूट तो बहुत अच्छा था एज कम्पेयर टू दैट यू नो ट्रैक, और हमेशा याद रखें गोल्ड टेंपल्स ही हैं, गोल्ड ट्रैक्स ही हैं, ये रूट अच्छा है। एंड थैंक यू विशाल फॉर कवरिंग अस एंड यू नो मेक दिस यू नो वीडियो, ये मेरे लिए कंटेंट बन गया और अपनी एक रीयूनियन होगी सर, बट वी आर नॉट हियर टू जस्ट यू हैव कवर अस, बट वी आर हियर एज अ फ्रेंड, यस राइट, दैट आई मीन यू यू नो यस गुड फ्रेंड ऑफ माय फ्रॉम यू नो लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम यस, सो वी एंजॉय कंपनी ईच अदर, यस दैट्स व्हाई वी आर थैंक यू विशाल कमिंग टुगेदर एंड डू दिस ऑसम ट्रैक, थैंक यू ओके सर।
ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको यहाँ से जाएंगे हम वाटरफॉल अपने। बाकी पहुँच चुके हुए हैं, डॉक्टर साहब जी पहुँच गए हैं, एंड करा लो। ठीक है डॉक्टर साहब, बढ़िया एंडिंग करा लो, एंड वीडियो हो रहा है, बहुत बढ़िया एंड वीडियो। हां वही वही मिलता है। इट वाज वेरी नाइस ट्रिप, लुकिंग फॉरवर्ड टू कम अगेन। यस वी आर कमिंग अगेन एंड वी आर गोइंग लुकिंग फॉर टू न्यू ट्रैक, मे बी वी आर वी ऑल गेट टुगेदर फॉर अ की गंगा ट्रैक। यस यस ओके। और ये अपने ट्रैक अपने गाइड भाई साहब मिस्टर राहुल, बढ़िया भाई, फिर मिलेंगे अब। तो ठीक है इस वीडियो को रखते हैं तक, मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो में याद देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और जरूर करके जाएं अपने वैल्यूएबल कमेंट एंड विशाल चैनल। यस व्हिच इज हिम बाइकर विशु। यस और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, तो उससे आप मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है अच्छे अच्छे आपके लिए कंटेंट तैयार करने के लिए। तो गाइस देखते हैं वीडियो अभी तक, अब जाएंगे ऐसे बॉक्सू टेम्पल, वहाँ पे वो वीडियो गाइस अलग आएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।